श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सबसे प्यारा जय श्री राम जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम केबी इन कनाडा। तो आज हम निकले हैं अपना टाइम ख़राब करने और पैसे भी। खैर पैसे तो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने जो टिकट्स हैं वो लिए हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे। अब कौन सी टिकट्स की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष के टिकट्स की। हमने आदि पुरुष की मूवी बुक कराई हुई, आज सिनेप्लेक्स जा रहे हैं मूवी देखने। तो देखते हैं कैसी होती है मूवी। इंडिया में तो बहुत बैकलैश मिल रहा है, बहुत ही घटिया रिव्यूज़ आ रहे हैं, बट फिर भी हमने सोचा चलो देखते हैं, कनाडा में भी जाते हैं देखते हैं क्या माहौल बनता है, कैसी मूवी है, इतना हेटरेट, इतना बैकलैश क्यों है, ऐसा क्या ख़राब है मूवी में। तो चलो देखते हैं और बताते हैं कैसी लगी हमें मूवी। तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं सिनेप्लेक्स सिनेमाज और अंदर जा रहे हैं अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी देखने ऑफ द ईयर 2023 आदि पुरुष। तो देखते हैं कैसी होगी मूवी, का देखने के बाद बताऊंगा कि कैसी लगी मुझे। तो भाई पूरा हॉल खाली है, पूरा हॉल मतलब सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमने ही बुक कराया है पूरी मूवी देखने के लिए। बाकी अपना पॉपकॉर्न और पेप्सी तो है ही, तो फुल तो मस्ती कर रहे हैं। भाई मूवी देख के बाहर आ चुके हैं। अब इन शॉर्ट अगर सीधी सीधी बात करें तो VFX मुझे लगता है काफ़ी अच्छे थे। अगर आप इसको रामायण की तरह फोकस करके ना देखो और एक ईविल वर्सेस गुड मतलब बुराई अच्छाई की लड़ाई, हीरो वर्सेस विलन वाली मूवी की तरह देखोगे तो इसको आपको बेटर लगेगी। बट हाँ, 4-5-10-20 मतलब हल्के डायलॉग्स तो हैं, ये मैं अग्री करता हूँ कि डायलॉग्स में वर्क किया जा सकता था, डायलॉग्स इतने अच्छे नहीं थे बीच बीच में। उसके अलावा मूवी इतनी बुरी नहीं थी जितना बैकलैश इसे मिल रहा है। बट हाँ, मतलब देर आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ हम इम्प्रूव अपॉन कर सकते थे मूवी मेकर्स, बट ठीक है। स्टिल आई वुड से कि मूवी इतनी बुरी नहीं थी, VFX भी अच्छा ट्राई किया गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा एट दी एंड कि इसको 2.5/5 स्टार दे सकते हैं हम। ये मेरा शॉर्ट रिव्यू था इस मूवी के लिए। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अगर इसको नॉर्मल मूवी की तरह देखें ना तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये रामायण देख रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर इसको रामायण की तरह ना देखें, एक अच्छाई बुराई वाली मूवी, हीरो हाँ एक विलेन वर्सेस हीरो वाली मूवी की तरह लोगे तो इसको मूवी को ज़्यादा अच्छी तरह आप कनेक्ट कर पाओगे और VFX भी अच्छे लगेंगे। इतने बुरे नहीं है VFX का काम अच्छा है और 3D में मज़ा आता है देखने में एक बारी को। सो टू सम इट अप, कितने स्टार देना चाहिए? फोर स्टार्स गुड रेटिंग। और मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था 2.5 स्टार, तो एक क्यूमुलेटिव 3-3.5 स्टार के लायक है ये मूवी और वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। तो गो एंड वॉच इट। बाकी यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, एंड फॉर मोर वीडियोज डू फॉलो आवर चैनल KB in Canada। और बाकी और नई नई वीडियोज आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड।